आत्म दर्शन, दर्शन स्वयं का दर्शन आत्म ज्योति जगा ले हुई जगा कर ज्योति स्वराज फिर पाले आत्म दर्शन स्वयं का दरेशन ओम शांति राजयोग के सत्र में हम राजयोग की दूसरी अवस्था पर देखेंगे जिसको कहा प्रभु मिलन का एक सुखद अनुभव रू रूहान की अवस्था हार्टी कम्युनिकेशन विद गॉड आत्मा रूह का पिता परमात्मा के साथ एक हृदय का वार्तालाप और ये हृदय का वार्तालाप कैसे होता है जब हमारा ईश्वर के साथ का संबंध हो और जितना गहरा संबंध है उतना प्यार से बातें अपने आप होने लगती है सोचना नहीं पड़ता है कि अभी मैं क्या बातें करूं उसके साथ सारी बातें खलास हो गई ख़त्म हो गई नहीं अपने आप बातें निकलती जाती है मनुष्य मनुष्य के साथ भी जब वार्तालाप करता है तो कोई ना कोई संबंध का आधार होता है और उस संबंध के हिसाब से वैसी वार्तालाप होती है आज कोई बिजनेस के क्षेत्र में होता तो उसकी वार्तालाप बिजनेस माइंड की होती है आज कोई परिवार में होता है तो उसकी वार्तालाप परिवार के हिसाब से होती है कोई दोस्तों के महफिल में होते हैं तो उनकी वार्तालाप वैसी होती है गुरु के पास या शिक्षक के सामने होते तो उसकी वार्तालाप वैसी होती है तो जैसा माहौल जैसा संबंध वैसा वार्तालाप आज दिन तक हमारा ईश्वर के साथ का वार्तालाप कैसा रहा जैसे कहा या तो कोई मांगने का स्वरूप रहा या एक फरियादी का स्वरूप रहा लेकिन एक स्नेह भरा वार्तालाप होने के लिए तो संबंध का आधार चाहिए कितने संबंध हम ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं मनुष्य के भी अति निकट के संबंध होते हैं जिसकी यादें उसको बार बार आती रहती है और जहां मन न चाहते हुए भी चला जाता है वो संबंध है पहला संबंध मात पिता और बच्चे का संबंध दूसरा संबंध है टीचर और स्टूडेंट का संबंध तीसरा संबंध है गुरु और शिष्य का संबंध ये तीन संबंध ऐसे हैं जहाँ हम लेते अधिक है और देते बहुत कम है या यूँ कहो तो जितना भी देवे उतना कम है जैसे कहा जाता कितना भी करो लेकिन न मात पिता का ऋण कभी चुका सकते हैं न टीचर का ऋण चुका सकते हैं न गुरु का ऋण चुका सकते हैं जितना करो उतना कम है चौथा संबंध ऐसा है जहां गिव एंड टेक दोनों होता है वो है मित्र दोस्त या सखा का संबंध जहां देना भी है तो कुछ लेना भी है वन साइड गाड़ी कभी नहीं चलती है पांचवा संबंध है पति पत्नी का संबंध साजन सजनी का संबंध जिस संबंध का आधार कुछ प्रोमिस है कुछ वायदे हैं प्रतिज्ञाएं हैं और छठा संबंध जिसमें खुद मात पिता और उनके बच्चे पहले संबंध में खुद बच्चे उनके मात पिता और छठे संबंध में खुद मात पिता उनके बच्चे तो ये छह संबंधों के आसपास हमारा मन चक्कर काटता रहता है अगर ये छह संबंध हम ईश्वर के साथ जोड़ दे तो तो ये जो हमारी शिकायत है कि हमारा मन नहीं लगता उसके बदले ये हो जाए कि मन उससे हटाए कैसे मन इतना उसके साथ जुड़ गया है भक्ति में भी अगर देखो जो भी शिरोमणि भक्त आत्माएं हो गए चाहे मीराबाई है चाहे नरसिंह मेहता है चाहे प्रहलाद है चाहे सती अनुसुया है जिन भी भक्तों को भी देखा जाए उन्होंने अगर कुछ हासिल किया प्रभु से मिलन का अनुभव किया उनका आधार कोई ना कोई संबंध था और वो संबंध का सुख ईश्वर ने भी उन्हें दिया इसलिए कहा जाता कि दुनिया के संबंध तो सारे मतलब भरे हैं एक ईश्वर ही ऐसा संबंध निभाता है एक बार आप जोड़ के देखो वो वफादारी से अंत तक वो संबंध निभाएगा हम गफलत कर देंगे उस संबंध निभाने में लेकिन ईश्वर कभी नहीं गफलत करता है वो अंत तक वो संबंध को वफादारी से निभाएगा तो इसलिए ये छह संबंध जो हमारे अति निकट के हैं ईश्वर के साथ जोड़ के अनुभव करें सबसे पहला संबंध अगर हम ले मात पिता और बच्चे का बच्चा जब मात पिता को याद करता है तो कैसे याद करता है आप कहेंगे माँ बाप के प्यार को लेकर के याद करेगा जो उनको पालना दी उस पालना को लेकर के याद करेगा जो उनके मह, पीछे मेहनत किया या सहन किया उसको लेकर के याद करेंगे लेकिन इन सब यादों का आधार मात पिता के कोई ना कोई गुण होते हैं और उस गुण को लेकर के याद होती है कभी कभी छोटे बच्चों की अगर आपसी बातों को सुनो जहाँ वो खेलते हो या आपस में मिलते हैं एक बच्चा कोई खिलौना लेकर के आता है और कहता है दूसरे बच्चों को कि देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है मेरे लिए ये खिलौना लेकर के आई तो उस समय दूसरे बच्चे शांत नहीं होते हैं वो तुरंत कहेंगे मेरी मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती है मेरे लिए लाने वाली है इससे भी बढ़िया खिलौना लाने वाली फिर घर जाकर डिमांड करेंगे कि मेरे लिए खिलौना ला कर के दो क्योंकि दूसरे दिन वो अपने दोस्तों को दिखाना चाहता है कि मेरी मम्मी मुझे कितना प्यार करती है कई बार बच्चे की ये भावना को समझ नहीं पाते हैं तो माँ बाप एक थप्पड़ मार देते हैं रोज की नई डिमांड लेकर के आता है बाहर पता नहीं क्या देख कर के आता है लेकिन उस समय जो थप्पड़ पड़ी उस बच्चे को नहीं पड़ी लेकिन उसकी भावना को थप्पड़ पड़ी और वो बच्चा समझने लगता है कि मेरे मम्मी पापा शायद मुझे इतना प्यार नहीं करते हैं मेरे दोस्त के माँ बाप बहुत अच्छे हैं वो कितना उसको प्यार करते हैं और वहाँ से उसको अपने माता पिता के प्रति जो प्यार स्नेह होता है वो कम होने लगता है एक बार थप्पड़ पड़ी दूसरी बार पड़ी बार बार अगर उसको थप्पड़ पड़ती रहती है तो उसको लगता है मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार ही नहीं करते हैं मात पिता को याद करने का आधार कोई ना कोई गुण होते हैं और उस गुणों के आधार पर याद किया जाता है परमात्मा तो गुणों में अनंत है सागर है कोई ना कोई गुण को लेकर के उसको याद करे देखो परमात्मा का भी वो गुणों का अनुभव वो प्यार का अनुभव खुद हम करने लगते हैं एक कहानी याद आती है कि परमात्मा का प्यार भी हम बच्चों के प्रति कितना है तो एक बार एक व्यक्ति को स्वप्न आता है और स्वप्न में अपनी जीवन यात्रा को देखता है देखता है जैसे कि समुद्र के किनारे किनारे वो चल रहा है ध्यान से देखता है तो उसको पैरों के निशान के रूप में दिखाई देने लगता है कहाँ चार पैरों के निशान है तो कहाँ कहाँ दो पैरों के निशान दिखाई देते हैं और ध्यान से देखता है तो जब उसके जीवन के कष्ट भरे दिन थे दुख भरे दिन थे बहुत मुश्किलतों भरे दिन थे तब सिर्फ दो निशान दिखाई दिए और जब उसके जीवन के खुशी के दिन थे उमंग उत्साह के दिन थे उल्लास भरे दिन थे तो चार निशान दिखाई दिए तो भगवान से बातें करता है कि हे भगवान मैंने तो समझा था कि जीवन में हर पल तुम मेरे साथ थे लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ जब मेरे खुशी के दिन थे अच्छे दिन थे सुख भरे दिन थे तब तो चार निशान हैं दो तेरे और दो मेरे लेकिन जब मेरे कष्टों भरे दिन थे दुख भरे दिन थे जब मुझे तेरी सबसे अधिक आवश्यकता थी उस समय तुम मेरा साथ छोड़कर कहाँ चले गए थे ये दो निशान क्यों दिखाई दे रहे हैं तो भगवान मुस्कुराकर कहता है नहीं बेटा तब भी मैं तेरे साथ ही था परंतु जब तेरे खुशी के दिन थे उमंग उत्साह के दिन थे उल्लास भरे दिन थे तब मैं तेरी अंगुली पकड़ के साथ साथ चल रहा था इसलिए तुम्हें चार निशान दिखाई दे रहे हैं लेकिन जब तेरे कष्टों भरे दिन थे मुश्किलों भरे दिन थे तब इतनी मुझे तुम्हारे प्रति रहम की भावना आई कि मैं तुझे चलने का कष्ट नहीं देना चाहता था इसलिए तुझे उठा लिया तो ये दो निशान जो दिखाई दे रहे हैं ना ये तेरे नहीं ये मेरे हैं सचमुच जीवन यात्रा को देखा जाए अपनी जीवन यात्रा को तो हमारे दुख के समय कष्टों भरे दिन के समय भी साथी बनता है साथ देने की समर्थी अगर है तो किस में है क्या कोई इंसान उस समय साथ दे सकता है नहीं दे सकता है अगर कोई देना चाहता भी है तो भी उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती उसके लिए जो वो एकदम से गड़गड़े होकर के कहने लगते हैं माफ़ करना मैं तुझे साथ देना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी ये मजबूरी है मुझे यहां जाना पड़ रहा है जाना तो नहीं चाहता हूं माना वो साथ नहीं दे पाता है उसको जाना पड़ता है बाद में हमें महसूस होता है कि ये दुख का समय जो मेरा गुजरा उसमें जो सहन करने की शक्ति थी कहाँ से मिली जैसे अदृश्य शक्ति हमें मिलती जा रही है उस समय साथी बनता है तो परमात्मा ही मात पिता के रूप में साथी बन करके उस समय से पार करवाता है बाद में हमें लगता है कि सचमुच अगर ईश्वर की मदद न मिलती तो शायद इस समय से हम गुजर नहीं पाते थे हमारे में तो शक्ति कहाँ थी इतना सहन करने की या ये समय से पार होने की लेकिन लगता था जैसे भगवान ने हमें भी उठा लिया अपनी गोद में समा लिया और उस समय से पार करवाया ये है परमात्मा का मात पिता के रूप में प्यार कि उसका इतना रहम होता है जो इतनी शक्ति दे देता है जो समय से पार हो जाते हैं महसूस करते हैं लेकिन बाद में हम वो अनुभव को भूल जाते हैं कैसे ईश्वर ने हमें मदद किया और इसलिए उसके साथ का जो वो प्यार भरा संबंध है वो मधुर मिलन का अनुभव हम नहीं कर पाते हैं तो ये है माता पिता का प्यार इसी प्रकार टीचर और स्टूडेंट का संबंध है परमात्मा ही हमारा परम शिक्षक भी है और वही सतगुरु भी है टीचर और गुरु में अंतर क्या है टीचर और गुरु में यही अंतर है के टीचर हमें बाह्य जगत का ज्ञान देगा गुरु अंतर जगत का ज्ञान देता है टीचर हमें शारीरिक कमाई का रास्ता बताता है बाह्य जीवन में कैसे व्यवहार में चलना है उसका मार्ग बताता है जबकि गुरु आत्म उन्नति कैसे करना है उसका मार्ग स्पष्ट करता है तो ये अंतर है टीचर और गुरु में टीचर और स्टूडेंट का संबंध भी बहुत नज़दीक का संबंध होता है आप अक्सर देखेंगे कि बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं तो किसकी बातें करते रहते हैं माता पिता को यही बातें करते रहेंगे आज हमारे टीचर ने ऐसे किया आज हमारा टीचर ने ये बोला आज हमारे टीचर ने ये सिखाया ऐसा करके दिखाया कई बार तो वो माँ को ऐसे पकड़ के बैठ जाता तुम सुनो आज हमारे टीचर ने क्या कहा माँ को उसके टीचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है परंतु बच्चे का जो स्नेह है टीचर के साथ कई बार जब वर्णन करने लगता है कहता है मैं अपने टीचर का फेवरेट स्टूडेंट हूँ मेरे को इस प्रकार मदद करता है मेरे को ये चीज़ें देता है ये टीचर का स्नेह का संबंध और इसलिए वो याद बनी रहती है परमात्मा भी हमारा परम शिक्षक है और परम शिक्षक होने के नाते वो भी हमें जो ज्ञान देता है और उस ज्ञान को लेकर के कितनी हमारी भलाई करने लगता है कई बार हमें भी कई लोग कहते हैं बहन जी इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ आप सोचो वो टीचर कैसा होगा जिसने इतना ज्ञान सुनाया और जितन जिसने एक एक को अपने समान ऐसा ज्ञानवान बनाया दुनिया के टीचर ये या दो स्टूडेंट का भविष्य अच्छी तरह बना सकते हैं एक बार एक भाई था बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना और अमेरिका से जब वापस भारत लौटा तो अपने गांव गया गांव में जैसे पहुंचा, तो अपने घर में पीछे गया एक बुज़ुर्ग के घर में पहले जाकर उसके पैर छुए और उसको नमन किया उनको पूछा गया कि भाई आप पहले वहाँ क्यों गए तब उसने बताया कि आज ये जीवन अगर बना है तो उसका पूरा कारण है वो टीचर अगर वो टीचर नहीं होता था तो शायद मैं आज ये स्थिति पर नहीं पहुँचता था लेकिन यहाँ परमात्मा परम शिक्षक के रूप में कितने लोगों का जीवन बनाता है वही परम सतगुरु भी है सतगुरु को जब याद किया जाता तो किस भावना से याद करते हैं सेवा भावना से कि गुरु की सेवा हम किस तरह से करें कैसे करें और इतनी मन के अंदर श्रेष्ठ भावना होती है गुरु के प्रति और सेवा करके हमेशा यही भावना रहती कि गुरु के आशीर्वाद के पात्र हम रहे गुरु का वरद हस्त जैसे हमारे ऊपर बना रहे यही भावना रहती है परमात्मा भी परम सतगुरु है और जब हम भी सेवा करते जाते हैं तो परमात्मा इतना कल्याणकारी वरदानी है सदा ही उसके वरदानों का हाथ हमारे सिर पर बना रहता है ये भावना के साथ सेवा नहीं करते हैं लेकिन ये संबंध है उस संबंध के कारण उसके वरदानों के अधिकारी बन जाते हैं पात्र बन जाते हैं और भगवान के वरदान को जो प्राप्त करता है वो कितना न श्रेष्ठ सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली होगा, तो ये है परमात्मा का परम शिक्षक और परम सदगुरु के रूप में एक पात्र परमात्मा के वरदानों को प्राप्त करने का समय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए तो जब भी भाग्य की बात कही जाती है तो लोग क्या कहते हैं भगवान जब भाग्य बांटने निकला था तब तुम सोया हुआ था क्या अर्थात भगवान जो भाग्य बांटता है सुबह सुबह बांटता है और उस समय जिन सोया तिन खोया वह आत्मा सब कुछ खो देती है तो ये है मात पिता का प्यार टीचर का प्यार और सतगुरु का प्यार चौथा संबंध है गिव एंड टेक का दोस्त का संबंध यह संबंध क्या हम ईश्वर के साथ नहीं जोड़ सकते हैं खुदा दोस्त की कहानियां बहुत सुनी होंगी आपने ये संबंध के बारे में भी पढ़ा होगा कि किस प्रकार ये संबंध उसके साथ जोड़ा जा सकता है आज दुनिया में भी अगर किसी का दोस्त प्राइम मिनिस्टर भी अगर बन जाए तो भी उसको कितना नशा चढ़ जाता है अरे मेरा दोस्त प्राइम मिनिस्टर हो गया और दूसरों को भी वो उसी शान से कहने लगता है अरे कोई काम हो तो बता देना अपना ही दोस्त है अपने आप में इतना गर्व महसूस करता है दुनिया की सर्वोच्च हस्ती उसके साथ हम दोस्ती जोड़ दे तो फिर क्या कहना उसका तो दोस्त का संबंध इस प्रकार का होता है कि जहाँ बस दोस्ती में कुछ भी देखा नहीं जाता है कोई कमी कमजोरी नजर नहीं आती है ईश्वर भी कभी हमारी कमजोरी नहीं देखता है लेकिन ये दोस्ती जोड़ने का भी आधार क्या है उसका भी आधार है एक स्कूल में या एक क्लास में अगर 50 बच्चे पढ़ते हो तो हरेक की हरेक के साथ दोस्ती नहीं होती है परंतु जहाँ विचारों की समानता होती जहाँ हॉबीज़ की समानता होती जहाँ लाइक्स की समानता होती जहाँ कोई न कोई बातों की समानता होती वहाँ दोस्ती बनती है ईश्वर के साथ भी दोस्ती जोड़ने का आधार कोई समानता चाहिए हमारी उसके साथ क्या समानता है समानता यही है सबसे पहले तो स्वरूप की समानता मैं आत्मा भी दिव्य ज्योति स्वरूप हूँ और मेरा पिता परमात्मा भी दिव्य ज्योति स्वरूप है स्वरूप की समानता है दूसरी समानता है गुणों की समानता आत्मा सतो गुणी स्वरूप है पिता परमात्मा सर्व गुणों का सागर है तो गुणों की समानता यानी नेचर की समानता है और तीसरी समानता धाम की समानता जैसे विदेश में कोई चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उसके गांव का कोई उसको मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है ये हमारे गांव का है उसके साथ न चाहते हुए दोस्ती बन जाती है इसी तरह धाम की समानता वो भी परम धाम का निवासी है मैं आत्मा भी परमधाम की निवासी हूं तो जहां स्वरूप की समानता है गुणों की समानता है धाम की समानता है तो दोस्ती जुड़ सकती है और ईश्वर को दोस्त बना दो तो बस उसका फिर क्या कहना एक कहानी याद आती है कि एक बार एक बंदे की दोस्ती ईश्वर के साथ हो गई तो उसने भगवान को कहा तो वैकुंठ का मालिक एक बार मुझे भी वैकुंठ का मालिक बना देना मैं भी तो अनुभव करूं वैकुंठ का सुख क्या होता है भगवान ने कहा बस इतना ही कहा मेरे को दस दिन के लिए सिर्फ तुम वैकुंठ का मालिक बना दे मैं भी उस सुख का अनुभव करना चाहता हूं। दोस्ती में भगवान ने भी उसको हाँ कर दी और दस दिन के लिए उसको वैकुंठ का मालिक बना दिया पहले दिन ही इसने देखा हा, हा, हा क्या सुख है ये तो और 10 दिन के बाद यह सुख पूरा हो जाएगा अब क्या किया जाए अब स्वर्ग में तो हर कार्य फटाफट होते हैं कोई काम में देरी नहीं होती है तो बंदे ने क्या किया सारे रिसोर्सेज लगा करके दस दिन के अंदर अपने लिए ऐसा बराबर का एक स्वर्ग तैयार करवा दिया दस दिन के बाद वो स्वर्ग का राज्य भाग भगवान को दे दिया भगवान ने देखा ये बंदा तो बड़ा होशियार निकला और उसने अपने लिए ऐसा बराबर का स्वर्ग बना दिया परंतु दोस्ती थी ना तो दोस्ती में माइंड नहीं किया ईश्वर ने भी ये जरूर सोचा कि ये बंदे ने मुझे भी नहीं छोड़ा लेकिन माइंड नहीं किया सोचा अभी बराबर के हो गए पहले दोस्ती इतनी अच्छी तरह जमती नहीं थी तो इस प्रकार भगवान के साथ भी जो हमारा संबंध हो दोस्ती का हो और उस दोस्ती में कोई चालाकी की बात नहीं लेकिन दोस्ती में भगवान के साथ प्यार भरी बातें करें जैसे कहा कि एक नशे के साथ हम अपना जीवन बनाए कि हमारा दोस्त कौन है कितना ऊंचा हमारा दोस्त है तो उस अनुसार अपने आप में भी वो क्वालिफिकेशन ले आए ताकि भगवान के दोस्त कहलाने के हम लायक हो एक बार की बात याद आती है तो एक लड़का था ग्वाल बाल था गैया चराता था हमेशा गायों को बाहर ले जाता था जंगलों में चराता रहता था एक बार भगवान से रोज़ अलग अलग रूप से बातें करता था तो एक बार वो बात कर रहा था ऐसे गाय घास खा रही थी वो झाड़ के नीचे जाके बैठ गया उसने देखा ये गाय गाय तो घास खा रही है मैं बैठा हूँ तो उसने सोचा भगवान ने भी ऐसे ही हमको छोड़ दिया ये संसार में हर एक अपना अपना घास खा रहा है अभी वो भी बैठा ही होगा मेरी तरह तो भगवान से बातें करने लगा कि भगवान तू नीचे आ जा ना क्यों नहीं हम बैठ के कुछ बातें करें गपशप करें कुछ खेले आदि ऐसे बातें कर रहा था अचानक एक पादरी जी वहाँ से गुजरे उसने देखा ये लड़का अकेला अकेला बड़बड़ा रहे हैं तो उसने उस लड़के से पूछा ये लड़का क्या बोल रहा है किससे बात कर रहा है लड़के ने कहा भगवान से बातें कर रहा हूँ कहा भगवान से अरे भगवान से बातें करने का तो हक हमको है तुमको कहाँ से आया तो क्या बातें कर रहा है उसको उसके साथ में उसने सुना जैसे ये गैया घास खा रही है अपना अपना मैं बैठा हूँ ऐसे भगवान ने भी हमको छोड़ दिया वो बैठा होगा तो उसको मैंने कहा तू आ जा मैं तो ऊपर नहीं आ सकता हूँ तुम ही आ जा नीचे कुछ खेलेंगे बातें करेंगे टाइम पास करेंगे तो पादरी ने कहा ऐसे भगवान से थोड़ी बातें करनी होती है कहा कैसे बातें करनी होती है कहा चल मैं तुझे सिखाता हूँ उसको प्रेयर सिखाना शुरू किया अब बच्चा तो अनपढ़ था तो एक, एक शब्द रटाते रटाते उसको दो घंटे लग गए फिर उसको कहा अब ये प्रेयर पक्की कर लेना कल मैं फिर से आऊँगा यहाँ और तुमको पूछूंगा और ऐसी सभ्यता से बातें किया करते हैं भगवान के साथ ठीक है पक्की कर लूँगा मैं वापस पहुँचने के बाद उसने भगवान के सामने कहा हे hey भगवान आज मैंने इतना अच्छा काम किया कि एक बच्चे को तेरे साथ बात करने की सभ्यता क्या होती है वो सिखाई उतने में आकाशवाणी हुई कि तुमने जो किया ना वो ठीक नहीं किया क्यों कहा अब जो तुम उसको सिखा के आया जो रटा के आया रोज वो वही रटा रटाया बोलता रहेगा जिसमें न भाव होगा न भावना होगी नहीं तो ये बच्चा रोज मेरे साथ इतनी प्यार भरी बातें करता था ऐसी बातें करता था जो मुझे भी मज़ा आती थी उसके साथ में कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं रोज का रोज वही रटा रटाया बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं जिसमें न भाव है न भावना है तो दिल में जो आए जैसे दोस्ती में क्या होता है जो भी मन के विचार भी अगर आए तो भी अंदर में आता है ये बात मैं अपने दोस्त को जरूर सुनाऊंगा, उसकी राय जरूर लूंगा, वो मुझे बराबर बताएंगा तो हर बात में दोस्त याद आते हैं कुछ ऐसी बातें होती है जो माँ बाप से भी छिपाएंगे लेकिन दोस्त को अवश्य बताएंगे भगवान को भी ऐसा दोस्त बना दे और उसके साथ ऐसी विश्वास भरी बातें करें देखो वो कैसे गाइड करता है कैसे हमको ले चलता है हर बात में महसूस होगा कहीं गलत कदम भी अगर उठाया तो भी वो ठीक कर देगा हाँ करके और फिर लगेगा जैसे सचमुच ये तो मेरे बस की बात नहीं थी मैंने तो ये बात सोची भी नहीं थी वो हमारी बुद्धि को ऐसे समय पर ठिकाने ला देता है महसूस करा देता है बच जाते हैं यह है दोस्त इसीलिए कहावत है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड तो भगवान के साथ सर्व संबंध का सुख का अनुभव कर सकते हैं साजन सजनी मीरा बाई ने उसके साथ प्रीतम का संबंध जोड़ा प्रीतम के संबंध में वायदे होते हैं भगवान के साथ भी हमारे कुछ वायदे हैं इसलिए एक कविता याद आती है देर आर प्रोमिस दैट वी हैव टू कीप कुछ प्रोमिस है जो हमें निभाना है उसके साथ के और वही बच्चा भी बन सकता है सती अंशुया ने उसको बच्चा बना दिया बच्चे का सुख भी उसने दिया इसी तरह सर्व संबंध का अनुभव हम एक ईश्वर के साथ कर सकते हैं और ये कोई कठिन बात नहीं है सहज है और जिस याद में हमारा संबंध दिनों दिन ऐसा गहरा होता जाएगा अनुभव होता जाएगा जैसे उससे नज़दीक और कोई हमारा है ही नहीं ऐसा ईश्वर के साथ का रिश्ता और प्यार भरी बातें कभी आपकी बातें ख़त्म ही नहीं होंगी कभी यही नहीं होगा कि क्या बात करें उसके साथ इतनी बातें होंगी जो क्या सुनाए और क्या छोड़ दें समय ही नहीं मिलेगा दूसरे किसी से बातचीत करने का या फालतू बातें करने का इतनी भगवान के साथ बातों में लवलीन हो जाएंगे तो यह है राजयोग की दूसरी अवस्था रू रूहान की अवस्था ओम शांत